हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। ये देखिए, मेरा किरेन 85 टन का है, फोर व्हील किरेन। इस किरेन से मैं पाइप को अनलोडिंग करने जा रहा हूँ, जिसका वेट 14 टन है और पाइप का लंबाई है मैक्सिमम 40 फुट। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए कैसे अनलोडिंग किया जाता है पाइप को। नए लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, गौर से देखिएगा। ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको भी कभी इतना बड़ा पाइप खाली करने का मौका मिले तो आसानी से कर पाएंगे। स्ट्रेला के ऊपर 2 पाइप है सिर्फ, उसको खाली करने के लिए 2 8-8 टन का बेल्ट फंसाए हैं। दोनों मिला करके 16 टन वेट हो रहा है, 16 टन वेट उठा सकता है, लेकिन मेरा पाइप 14 टन का है तो इस बेल्ट से आसानी से उठ सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है और आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो पैसा कमाने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है मोबाइल किरेन। आप मोबाइल किरेन चलाना सीख लीजिए और कहीं भी चलाइएगा तो अच्छा सैलरी आपको मिलेगा। खास करके गल्फ कंट्री में 50,000 के ऊपर आपको सैलरी मिल सकता है मोबाइल किरेन में। मोबाइल क्रेन का ऑपरेटिंग अगर कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं होता है। इस काम में सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और कोई भी काम आराम से करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से प्यार से कीजिए ताकि कोई नुकसान ना हो। काम में अगर जल्दीबाजी करेंगे तो कंपनी का भी नुकसान हो जाएगा, आपका भी नुकसान हो सकता है, आपके साथ में जो भी आदमी काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए बिल्कुल आराम से काम करना है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई नुकसान ना हो।
अगर आप नए नए क्रेन चलाना सीख रहे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत वीडियो है जिसमें क्रेन का ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, ड्राइविंग कैसे करते हैं, पूरा फंक्शन बताए हुए हैं, पूरा सिस्टम बताए हुए हैं। आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा सीखने में। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अभी एक पाइप उतार दिए हैं, एक और है उसको भी उतारेंगे। पाइप का 14 टन वेट है, क्रेन का बूम हम निकाले हुए हैं 21 मीटर। और 11 मीटर रेडियस में ट्रेला खड़ा है और 9-10 मीटर रेडियस में हमको रखना है पाइप को। अगर आपको क्रेन चलाना नहीं आता है तो रिगर के काम में भी आ सकते हैं। अगर आपको रिगर के काम जानकारी है तो रिगर में भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। मैक्सिमम ऑपरेटर का सैलरी का सेम रिगर का भी मिलता है। रिगर का काम होता है माल को लोडिंग करवाना, कितना टन का माल है और उसको उठाने के लिए कितना टन का बेल्ट लगेगा, कितना टन का डिसएंगल लगेगा, ये सब जानकारी होना चाहिए रिगर को। और ऑपरेटर को कैसे हैंड सिग्नल दिखाना है वो भी नॉलेज होना चाहिए। मेरे चैनल पर 100 टन मोबाइल क्रेन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, 85 टन का मिल जाएगा, 60 टन का भी मिल जाएगा।
Please check the current font. 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 उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। अगर क्रेन सीखना है तो कोई आपका जान पहचान का कोई ऑपरेटर मिलता है तो उसके साथ में 2-4-5 महीना क्रेन के साथ में रहिए, हेल्परी कीजिए, उससे आपको अच्छा नॉलेज होगा। और स्कूल के जरिए अगर सीखते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा खास नॉलेज नहीं होता है। सबसे बेहतर होगा किसी क्रेन के साथ में रह जाइए, हेल्परी कीजिए, 2-4-6 महीना कुछ नॉलेज हो जाए, उसके बाद में कोई भी गल्फ कंट्री में जा सकते हैं या इंडिया में चला सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिले। Please check the current font. Overloading.